أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رسول الله رسول الله رسول الله. نبी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करना. प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का दिफा करना वो अजीम अमल है जो हर मुसलमान पर वाजिब है. रसूलुल्लाह रब्बाना व बिल इस्लाम अहयाना व अल्लमना बि अन नबक़ा लि दीनिल्लाहि अअवाना. चाहते हो इन मुजरिमों से इंतकाम लेना? तुम शक्ल में मोहम्मदी बनो, तुम अमल में मोहम्मदी बनो, तुम तिजारत में मोहम्मदी, कारोबार में मोहम्मदी, घर में मोहम्मदी, तालीम में मोहम्मदी, एक एक मसले पे मोहम्मद के रंग में रंग जाओ. ये इंतकाम की राह. قال دين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ظمئات بنا الأرواح إيمانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. इन्ना कफ़ैनाक अलमुस्तहज़ीन. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करना. प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त का दिफा करना वो अज़ीम अमल है जो हर मुसलमान पर वाजिब है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे, आपकी सीरत को, आपकी शान को लोगों में आम करे अपनी ताकत के मुताबिक. और अगर कोई हुर्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कदम उठाता है तो हर मुसलमान पर वाजिब है कि उस नबी की इज्जत का दिफा करे जिससे मोहब्बत करने का हुक्म हमें अर्श वाले अल्लाह ने दिया है. और प्यारे हबीब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और शौकत, इज्जत कोई क्या बयान करेगा कि जिसकी तारीफ़ें खुद अर्श वाला अल्लाह करता है, जिसकी शान को मालिक बयान करता है, जिसकी तारीफ़ कुरान हकीम के सफ़हात में है. हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है, बाइस शरफ़ है कि हमारे मुँह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त में कलिमात निकले. अल्लाह के प्यारे हबीब वो हस्ती हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात है कि अगर कोई मुस्तफ़ा अलैहि सलातु वस्सलाम की तौहीन करता है तो उससे इंतकाम लेने के लिए अर्श वाला अल्लाह ही काफ़ी है। जो प्यारे हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है उस पर अल्लाह की लानत बरसती है, इस दुनिया के अंदर भी और आखरत के अंदर भी वो मलऊन इंसान है। मालिक का फरमान सुनिए, मालिक फरमाता है इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़ीन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी गुस्ताखी करने वालों से इंतकाम लेने के लिए हम काफ़ी हैं। जिसकी ज़ुबान दराज हो हुर्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, जिसकी ज़ुबान दराज हो प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम के अहले बैत और आपके असहाब के खिलाफ, वो समझ ले कि वो मरदूद इंसान है जो अल्लाह का भी दुश्मन है, अहले ईमान का भी दुश्मन है। और मालिक फरमाता है इन्न शानिअका हुवल अबतर, ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दुश्मन वो रुस्वा होने वाला है, वो जलील होने वाला है, वो खसारा पाने वाला है इस जहां में भी और आखरत के जहां में भी। मेरे अल्लाह ने हमारे प्यारे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जतों और शान के बुलंद मकाम पे फाइज किया। अल्लाह के प्यारे सबसे ज़्यादा अम्बिया हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सब अम्बिया के सरदार हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने क्या शान बख्शी, क्या निराली इज्जत अता फरमाई मुस्तफ़ा अलैहि सलातु वस्सलाम को। आप औलाद आदम के सरदार हैं, आदम अलैहि सलाम से लेकर उनके आखिरी फर्जन तक सबकी सरदारी अगर मिली है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप खातमुन नबिय्यीन हैं, तमाम नबियों की जमात के सरदार और सबसे आखिर में आने वाले सिलसिलाए नबुव्वत को ख़त्म कर अल्लाह ने किया है तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपसे पहले अंबिया को अल्लाह ने भेजा, किसी को किसी कौम की तरफ, किसी को किसी कौम की तरफ। कुर्बान जाऊँ अपने मुस्तफ़ा की इज्जत पर, असमत पर। अल्लाह ने प्यारे हबीब अलैहि सलाम को भेजा तो पूरी इंसानियत और कायनात की तरफ, इंसानों की तरफ नबी बनाकर आपको भेजा गया, पूरी कायनात की तरफ, जिन्नात की तरफ नबी बनाकर भेजा गया। आप वो अजीम हस्ती हैं जो सबसे पहले पूरे सिरात को क्रॉस करेंगी। प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह के वो प्यारे बंदे हैं जो सबसे पहले जन्नत का दरवाजा बजाएंगे। और याद रखिए, जब तक मुस्तफ़ा अलैहि सलाम जन्नत में दाखिल ना होंगे, कोई और नबी दाखिल ना होंगे, जब तक मुस्तफ़ा अलैहि सलाम की उम्मत दाखिल ना होगी, किसी और नबी की उम्मत दाखिल ना हो सकेगी। आपको अल्लाह ने ये इज्जत दी, ये शान दी, ये मकाम दिया कि आप सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे, आप सबसे पहले सिफारिश करेंगे और सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश कबूल की जाएगी। आप ही के लिए मकाम वसीला और फजीला है। आप ही वो हैं जिसके लिए प्यारे हबीब अलैहि सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने अपने बंदों में से एक बंदे को मकाम महमूद पे फाइज करना है और मुझे उम्मीद है अल्लाह के बंदों में से वो एक बंदा मैं हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ही के हाथ में क़यामत के दिन अल्लाह की तारीफ का झंडा होगा, जिसके बारे में आप अलैहि सलाम ने फरमाया था आदम वमन सिवाउ तहत लिवाई, आदम से लेके अलैहि सलातु वस्सलाम आखिरी इंसान तक अगर उसको छाँव मिलेगी तो मोहम्मद के झंडे के नीचे मिलेगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां किसी का कोई झंडा नहीं, किसी का कोई सिलसिला नहीं। अल्लाह अपनी तारीफों का झंडा देगा तो आमना के लाल के हाथ में देगा अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह मालिक ने इंसानों को पैदा किया, फिर उनको देखा तो सबसे ज्यादा प्यारे अंबिया की जमात अल्लाह ने उनको चुना और अल्लाह ने अपने रसूल चुने, अपने बंदे चुने। कुरान हकीम बयान फरमाता है अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रसूलन व मिनन नास, फरिश्तों में से और इंसानों में से पैगाम पहुंचाने वालों को अल्लाह ने चुन लिया। इस जमात का इंतखाब अल्लाह मालिक ने किया और अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को बाकी पूरी इंसानियत पे फजीलत अता फरमाई। जो शान एक नबी की है, जो शान एक रसूल की है, वो शान किसी और इंसान की पूरी इंसानियत पे फजीलत दी है। तो अल्लाह ने अंबिया की जमात को दी है। अंबिया की इस जमात को अल्लाह मालिक ने लोगों की हिदायत का जरिया बनाया है। अल्लाह से टूटी हुई मखलूक उसको वापस अल्लाह के साथ जोड़ने का काम किया तो अल्लाह के अंबिया ने किया। वो जो राह हिदायत से हट गए, जो अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ चुके थे, जिन्होंने एक अल्लाह को छोड़कर पत्थरों की मूर्तियों को, चांद और सूरज को, सितारों को पूजना शुरू कर दिया था, उनको गैरुल्लाह की इबादत से हटाकर फिर अल्लाह की इबादत दी तो अल्लाह के अंबिया की इस जमात ने दी। कुरान हकीम बयान फरमाता है, ये अंबिया की जमात वो जमात है जिनको हिदायत दी अल्लाह ने, और जो इनके रास्ते पे चल के आया उसने हिदायत को पाया। ये सबसे पहली जमात है जिनके नसीब में अल्लाह ने हिदायत की और फिर इनको नूर बनाया, रोशनी बनाई, मिनारा बनाया, नूर का नूर हिदायत बनाया। इनको देखकर लोग हिदायत की राह पर चले, इनके फरामीन पे अमल करके अल्लाह के अलिया बने, अल्लाह के प्यारे बने। और अल्लाह मालिक ने पूरी इंसानियत को अपने तमाम अंबिया पर ईमान लाने का हुक्म दिया। आइए कुरान हकीम की आयत पे गौर करते हैं। कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि। ये सब अल्लाह ताला पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। उसके रसूलों में से किसी में हम तफरीक नहीं करते। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि। अल्लाह के रसूलों में से किसी के दरमियान तफरीक नहीं करते, सब पर ईमान लेके आते हैं। ये सब सच्चे थे, इन सब ने अपनी दावत को पहुंचाया, इन सब ने ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ें को अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाया। हाँ, अल्लाह की कसम, हम मोहब्बत करते हैं, ईमान लाते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम मोहब्बत करते हैं, ईमान लाते हैं सैयदना ईसा अलैहि सलाम पर, सैयदना मूसा अलैहि सलाम पर, सैयदना इब्राहीम अलैहि सलाम पर, सैयदना इस्माईल अलैहि सलाम पर, यूसुफ अलैहि सलाम, याकूब अलैहि सलाम। अल्लाह के अंबिया की पूरी जमात पर हम ईमान भी लाते हैं और उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं और किसी एक नबी की गुस्ताखी को भी हम जायज़ नहीं समझते। इस्लाम वो दीन है, इस्लाम वो मनहज देता है कि जहां पर अल्लाह के प्यारे अंबिया की ईमान, मोहब्बत और इज्जत का दरस मिलता है। ना हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पे सबर करते हैं, ना इसको बर्दाश्त करते हैं, ना ईसा और मूसा अलैहिमुस्सलाम की कोई तौहीन करे तो मुसलमान उसको भी बर्दाश्त। जिसने मोहम्मद करीम को भेजा उसी अल्लाह ने सैयदना ईसा और सैयदना मूसा अलैहिमुस्सलाम को भेजा। हम गजबनाक होंगे अगर बाकी अंबिया में से किसी की तौहीन की जाए, और इसी तरह हमारा गजब शदीद होगा, हमारा गुस्सा शदीद होगा अगर कोई मलऊन और पलीत जुबान दराज होती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के खिलाफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें दरस कुरान देता है, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रसूली। हम अल्लाह के अंबिया की जमात में कोई तफरीक नहीं करते, सब पे ईमान लाते हैं, सबको सच्चा जानते हैं, सबको अल्लाह का प्यारा समझते हैं और सबकी इज्जत करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो औलाद आदम के सरदार, जिनके हाथ में क़यामत के दिन अल्लाह की हम्द का, अल्लाह की तारीफों का झंडा होगा। आपकी इज्जत का ये हाल है, आप सबसे पहले जन्नत में जाने वाले, सबसे पहले शफाअत करने वाले, लेकिन आपका तवाज़ो का मंजर क्या है? आइए प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुने। आपने मना फरमाया कि मेरा तज़किरा किसी नबी के साथ मिलाकर ऐसे ना किया जाए जिसमें उस नबी की तौहीन का पहलू निकलता हो। कोई शक नहीं कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया की जमात के सरदार हैं, कोई शक नहीं, औलाद आदम के सरदार है, कोई शक नहीं, लेकिन आपने अहले ईमान को दरस किया दिया कि मेरा मुकाबला किसी नबी के साथ ऐसे ना करना जिसमें उस नबी की तौहीन का पहलू निकलता हो। एक सहाबी के यहूदी से झगड़ा हो गया, यहूदी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ज्यादा बयान करने लगा। सहाबी ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, वो आया और उसने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत की। प्यारे हबीब ये सुनकर कि मेरे एक सहाबी ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान को कम करके मेरी शान को बढ़ाया और उस मसले पर यहूदी से झगड़ा किया, आप नाराज हुए, गदबनाक हुए और फिर आपने फरमाया फइन्नहु युनफिखु फिस्सूरी फयसअकु मन फिस्समावाति व मन फिल अर्द इल्ला मन शा अल्लाह थुम्मा युनफिखु फीहि उखरा फअकूनु अव्वलु मन बुइस फइज़ा मूसा आखिज़ुन बिल अर्श। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब सूर फूंक दिया जाएगा तो जमीन और आसमान के सब लोग बेहोश हो जाएंगे, हाँ जिसको अल्लाह बाकी रखना चाहेगा। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा तो सबसे पहले मुझे उठाया जाएगा। जब मैं उठूंगा तो मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्श को पकड़ के खड़े हैं। सबसे पहले तो मुझे उठाया जाएगा, लेकिन जब मैं उठूंगा तो देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अर्श को पकड़ के खड़े हैं। तो मैं फला अदरी अहुसिब बिसाकतिही यौम तूर अम बुइसा कबली, बस मैं नहीं जानता कि यौम तूर की वजह से उनको आज के इस बेहोशी के मामले से बरी कर दिया गया या मुझसे पहले उनको उठाया गया। ये तालीमात मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरामीन मुस्तफ़ा है। ये अल्लाह के प्यारे हबीब दरस दे रहे हैं कि मेरा मुकाबला किसी नबी के साथ भी ऐसे ना करो जिसमें उस नबी की तौहीन का पहलू निकलता है। आपने फरमाया और मैं ये नहीं कहता कि कोई यूनुस अलैहिस्सलाम से अफजल है, मैं यूनुस अलैहिस्सलाम की भी इज्जत करता हूं, ये नहीं कहता कि कोई उनसे अफजल है। आपका ये इरशाद, आपका ये फरमान तमाम अंबिया की इज्जत, तमाम अंबिया की शान, तमाम अंबिया की तौकीर को बयान फरमाता है। ए मुसलमानों, अल्लाह ताला ने हमें अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का हुक्म दिया है, आप पर ईमान लाने का हुक्म दिया है, आपकी अताअत करने का हुक्म दिया है। और याद रखो तमाम अंबिया की अताअत अल्लाह के हुक्म से की जाती है। कुरान हकीम के अंदाज पे गौर कीजिए, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने जितने रसूल भी भेजे, हमने जितने अंबिया भी भेजे, उन सब की अताअत का हुक्म अल्लाह ने दिया। अल्लाह के हुक्म से उनकी इताअत की जाती है, अल्लाह के हुक्म से उनकी बातें मानी जाती हैं। अल्लाह के अंबिया आते भी अल्लाह की तरफ से हैं और उनकी इताअत का हुक्म भी अर्श वाले अल्लाह ने ही दिया है, बल्कि अल्लाह ने अपनी और अपने रसूल की इताअत का हुक्म कुरान हकीम में 25 मरतबा से ज्यादा इरशाद फरमाया, अतीउल्लाह व रसूलह, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। ये और इस तरह की कई आयात हैं जिसमें अल्लाह अपनी अताअत के बाद अपने रसूल की अताअत का हुक्म देता है। आइए कुरान हकीम की एक और आयत पे गौर करते हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने एहसान अज़ीम किया अहले ईमान पे जब इनमें अपने रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिन अनफुसिहिम, कुरान हकीम की आयत अहले ईमान को अकीदा भी सिखाती है, अंबिया की शान भी बताती है। मिन अनफुसिहिम, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तशरीफ लाए, ये रसूल कौन थे? तुम्हारी जानों में से। तुम इंसान थे तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे, तुम्हारी जानों में से रसूल बनाकर भेजे गए। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की आयत को अल्लाह के बंदों पर पढ़ते, उनका तज़किया नफ्स करते, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देते। अल्लाह ने इंसानों पर बहुत से इनामात किए, लेकिन किसी इनाम को ऐसे नहीं जितलाया जैसे आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजकर जितलाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आसमान की छत किसने कायम की है? ये ज़मीन का फर्श किसने बिछाया है? ये सूरज का नूर किसने रोशन किया है? ये चांद की चमकती हुई चांदनी किसने दी है, ये ठंडी हवाएं किसने दी हैं, ये पानी, ये रहमत, ये नेमत किसने दी है। लेकिन सबसे बड़ा एहसान अजीम वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजने का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले ईमान, ए मुसलमानों की जमात, अल्लाह ने प्यारे हबीब को भेजकर हम पे एहसान अजीम किया, तो उसके साथ साथ अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल की इज्जत, आपका अदब, आपके एहतराम का दरस भी अपने मानने वालों को दिया। कुरान हकीम मुस्तफा के अदब का तरीका सिखाता है। आइए कुरान हकीम की आयत पे गौर करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। ए अहले ईमान, ए कलमा पढ़ने वालों, ए ईमान का दावा करने वालों, अल्लाह और उसके रसूल से अपने कदमों को आगे न बढ़ाना। क्या मायना? अगर तुम्हें अल्लाह का हुक्म मिले, रसूलुल्लाह का हुक्म मिले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जहां हुक्म मुस्तफ़ा मिल जाए अपनी गर्दनों को झुका देना। अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ जाना, उनके हुक्मों को पामाल ना करना, उनके हुक्मों को पसे पुश न डालना। अल्लाह से डरना, अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ये कुरान हकीम की आयत दरस दे रही है इज्जत मुस्तफ़ा का, हुर्मत मुस्तफ़ा का, नामूस मुस्तफ़ा का हमने बर्ताव कैसे करना है प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम के साथ, आपका एहतराम कैसे करना है। फरमाया अल्लाह तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ लोगो, तुम पे एहसान अजीम किया अपने रसूल को भेजकर, लेकिन अब याद रखो तुम में से कोई आदमी भी अपनी आवाज को मोहम्मद की आवाज पे ऊंचा ना करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तो माजरा मुस्तफ़ा अलैहि सलाम की जिंदगी का कि आपकी जिंदगी में कोई शख्स आपकी मजलिस में मौजूद हो, प्यारे हबीब की आवाज से ऊंची आवाज उसकी नहीं होनी चाहिए। और एक माजरा प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम के इस दुनिया को छोड़कर जन्नत में चले जाने के बाद का कि अगर तुम्हें फरमाने मुस्तफ़ा मिले, कौले मुस्तफ़ा मिले, अमले मुस्तफ़ा मिले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीसे रसूल के मुकाबले पे अपनी, अपने शेख की, अपने इमाम की, अपने खानदान की, अपनी कौम की, अपने कबीले की आवाज को बुलंद ये ना कहना हदीस तो है लेकिन, हदीस तो है लेकिन हमारे इमाम साहब ने यूं कहा है, हदीस तो है हमारी कौम ये कहती है, हदीस तो है हमारे मौलवी साहब ने ये बताया है। जब हदीस है मुस्तफ़ा, फरमान मुस्तफ़ा, अमल मुस्तफ़ा तुम्हारे सामने आ जाए, हर किसी की बात को ठोकर मार देना, मोहम्मद की बात को न छोड़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी आवाज बुलंद ना करना। वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरी बअदिकुम लिबअद। उनको वैसे ना पुकारना जैसे तुम आप इसमें एक दूसरे को पुकारते हो। बुलंद आवाजों से मुस्तफ़ा को ना पुकारना ऐसे जैसे तुम आप इसमें एक दूसरे को पुकारते हो। वो सलूक ना करना जो सलूक तुम एक दूसरे के साथ करते हो। अगर तुम बाज ना आए तो कुरान हकीम का आवाजा पर्दे समाज खोलिए, दिल की खिड़की में उतारिए। मालिक फरमाता है अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अगर तुम मेरे हबीब का ऐसा अदब ना करोगे तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। ये शान मुस्तफ़ा है, ये मकाम मुस्तफ़ा है, ये इज्जत मुस्तफ़ा है जिसका अदब अल्लाह मालिक हमें सिखा रहा है। इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह। उन लोगों की तारीफ हो रही, उन लोगों के दिलों की पाकीज़गी को अल्लाह बयान कर रहा जो रसूलुल्लाह की मजलिस में जब आते अपनी आवाज़ों को पस्त कर लेते। एक सहाबी की आवाज़ कुदरती ऊंची थी, जब ये आयत का नज़ूल हुआ वो अपने घर में बैठ गई और कुंडी लगा के रोने लग गए। प्यारे हबीब ने देखा वो सहाबी नज़र नहीं आ रहा, अपने बाकी साथियों से कहा फुला नजर नहीं आता, पता करो उसका क्या हाल है। पता लेने वाले गए तो वो अपने घर में बैठा रो रहा है और कह रहे हैं मैं अब रसूलुल्लाह की मजलिस में नहीं जा सकता, मेरी आवाज़ तो कुदरती तौर पे बुलंद है, मैं जब भी बोलूँगा मेरी आवाज़ प्यारे हबीब की आवाज़ से ऊंची हो जाएगी, मेरी आखिरत पर बात हो जाएगी। क्या हमारे दिल में भी प्यारे नबी का ये अदब है? क्या हमारे दिल में भी मुस्तफ़ा की ये मोहब्बत है? क्या मुस्तफ़ा अलैहि सलातु वस्सलाम का ये मकाम हमने अपने दिल में भी बिठाया है कि जिंदगी के किसी मसले पर मेरा कौल, मेरा अमल, मेरा फेल, मेरी बीवी का, मेरी औलाद का, मेरी कौम का, मेरे कबीले का, मेरी बिरादरी का वो प्यारे हबीब की बात से ना टकराए, और अगर टकराए तो मैं मुस्तफ़ा की हदीस को सीने से लगा लूँ, पूरी दुनिया से टक्कर ले लूँ। खबर देने वालों ने आकर खबर दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबी तो अपने घर में बैठ के रो रहे हैं कि मेरी आवाज़ अगर ऊंची हो गई तो मेरी आखिरत का क्या बनेगा। कहा जाओ उसको बुलाओ और उसे कहो तेरा शुमार उन लोगों में नहीं है। और मालिक यहाँ तारीफ कर रहा है उन लोगों की जो मुस्तफ़ा अलैहि सलातु वस्सलाम की मजलिस में आए और अपनी आवाज़ों को धीमा रखे, पस्त रखे, नीचा रखे। उलाइका लज़ीना इम्तहन अल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। जो अपनी आवाज़ को मजलिस-ए मुस्तफ़ा में धीमा करता है, आहिस्ता रखता है, अपनी बात को नीचे रखता है, प्यारे हबीब की बात को ऊपर रखता है, उसको इज्जत और फौकियत देता है, ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने परख लिया है, ये मुत्तकी लोग हैं, इनके लिए अजर अजीम भी है, इनके गुनाहों की मगफिरत का ऐलान भी है। कुरान हकीम के एक और अंदाज पे गौर कीजिए, इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। जो आपको आपके हुजरे के पीछे खड़े होकर आवाजें लगाते हैं, पुकारते हैं। कुछ लोग आए थे देहात के रहने वाले, हुजरे से बाहर खड़े होके वो आवाज लगाने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आइए। मालिक को ये अंदाज पसंद ना आया, रब को ये अंदाज पसंद ना आया और कहा ये जो बाहर खड़े होके आपको आवाज लगा रहे इनमें से अक्सरियत बेअकल है। अदब मुस्तफ़ा कुरान हकीम के अंदाज में सीखिए, कुरान हकीम की आयात से समझिए। मालिक फरमाता है, ला तजअलू दुआ रसूली बैनकुम का दुआई बाज़िकुम बाज़ा। अपने रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप इसमें ऐसे ना पुकारो जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। कोई या मोहम्मद का नारा ना लगाए, कोई या मोहम्मद का वासा बुलंद ना करे। अगर बुलाना हो तो अदब एहतराम से या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह। कुरान तो प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अदब सिखा रहा है कि कोई या मोहम्मद कह के भी, हमारे मुल्कों में नारे लगे हुए होते हैं, मस्जिदों के अंदर सीढ़ियाँ लगी हुई होती हैं, या अल्लाह या मोहम्मद। जैसे तुम आप इसमें एक दूसरे को पुकारते हो, एक दूसरे का नाम लेते हो, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसे ना पुकारो। पुकारना है तो अदब के साथ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मालिक ने हमारे प्यारे मुस्तफ़ा अलैहि सलाम को पूरी इंसानियत की तरफ हिदायत का पैगाम देकर भेजा। आप आखिरी नबी हैं, अल्लाह की मखलूक में सबसे अफजल है, अल्लाह की मखलूक में सबसे आला है, आप रहमान के खलील हैं, अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, और खलील का मकाम मोहब्बत के से बड़ा हुआ करता है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब की शान में गुस्ताखी के तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया। आइए अल्लाह के कलाम के आवाज़ें को अपने दिल में जगह दें और उन तक पहुँचाएँ जिनकी गंदी जुबानें प्यारे हबीब की प्यारी सीरत के खिलाफ दराज होती हैं। उन्होंने मेरे मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ा नहीं है, उन्होंने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को समझा नहीं है। वो अभी तक इस नूर हिदायत से दूर हैं। अगर वो मुस्तफ़ा की शान को पढ़ते, अगर वो मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ते तो कभी गुस्ताखी का तस्वर भी ना करते। अल्लाह मालिक ने गुस्ताखी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। अपने हबीब की अकल की तारीफ की, मुस्तफ़ा की अकल की तारीफ की अल्लाह ने। मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे साथी ने ना राह गुम की ना वो टेढ़े रास्ते पर है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ना तो इन्होंने राह को गुम किया है ना इनका रास्ता टेढ़ा है। प्यारे नबी की अकल की तारीफ अर्श वाला अल्लाह कर रहा है, प्यारे हबीब की जुबान की तारीफ मालिक कर रहा है। सुनिए, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। दुनिया वालों, तुम अपनी मर्जी से बोलते हो, मेरा मुस्तफ़ा मेरी मर्जी से बोलता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी की गुस्ताखी किस माजरे पे करोगे? एक एक मसले पर मुस्तफ़ा की इज्जत की तारीफ करता हुआ अर्श वाला मालिक नजर आता। प्यारी जुबान मुस्तफ़ा की, जिस जुबान पे पहरा दिया है तो अर्श वाले अल्लाह ने दिया। इसीलिए तो हम कहते हैं, लोगों, बुजुर्गों की इज्जत तो करो, पीरों फकीरों की इज्जत तो करो, उनका एहतराम करो, लेकिन उनकी बात को हरफे आखिर न जानो, क्योंकि किसी पीर की जुबान से अल्लाह की मर्जी से कलाम नहीं निकलता। अल्लाह की मर्जी से कोई बोलता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े से बड़ा पीर, बड़े से बड़ा इमाम, बड़े से बड़ा शेख, बड़े से बड़ा हजरत अपनी राय से, अपने फहम से, अपनी सोच से कलाम करेगा। फातिमा के बाबा जब भी बोलेंगे तो आसमान से वही आने के बाद बोलेंगे। दीन के किसी मसले में नबी अपनी मर्जी से कलाम नहीं करते। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी के पास आने वाले फरिश्ते के बारे में कहा, अल्लमहु शदीदुल कुवा, उसे पूरे ताकतवर फरिश्ते ने सिखाया। अल्लाह ताला ने अपने हबीब की बसारत की तारीफ की। मा सागल बसर वमा तगा, ना तो निगाह बहकी ना हद से बड़ी। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी के सीने के बारे में कहा, अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने तेरा सीना नहीं खोल दिया? अल्लाह ताला ने अपने हबीब के अखलाक की तारीफ करते हुए फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। और कौन है जो इस मकाम पे फाइज हो, और कौन है जिसके ऊपर ये आयात फिट आती हो? ये शान है तो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक तू बड़े उम्दा अखलाक वाला है। प्यारे नबी अखलाक में सबसे आला, अखलाक में सबसे अफजल। अल्लाह की कसम, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देता है उसके लिए अल्लाह की लानत भी है और दर्दनाक आवाब भी है। जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। जो रसूलुल्लाह को दुख देता है, तकलीफ देता है, वो अपना ठिकाना जहन्नम की आग में बनाता है। इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाह, जो तकलीफ देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, उन पे अल्लाह की लानत बरसती है। फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया के अंदर भी मलऊन है वो जुबाने जो प्यारे हबीब की इज्जत पे, प्यारे नबी की नामूस पे दराज हो। वो दुनिया में मलऊन, आखिरत के अंदर मलऊन। वअअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, अल्लाह ने उनके लिए जलील कर देने वाला अजाब तैयार किया। आज तो यहूद और नसारा मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के खिलाफ अपनी गंदी जुबानों को दराज करते हैं। कहीं किब्ती नसरानियों ने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन पे फिल्में बनाई, कहीं यहूद और नसारा ने झूठे खाके तैयार किए। उन्हें कुरान की आयत सुनाओ, जो प्यारे मुस्तफ़ा की तौहीन करता है उस पर दुनिया में भी लानत का कोड़ा बरसता है, आखिरत में भी लानत का कोड़ा बरसेगा, और जहन्नम का दर्दनाक अज़ाब इन्हीं मुजरिमों के लिए। इन्नल्लज़ीना युहादून अल्लाह व रसूलहू कुबितू कमा कुबितल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वक़द अन्ज़लना आयातिन बय्यिनात वलिलकाफ़िरीना अज़ाबुम मुहीन। कुरान हकीम की ये आयात, कुरान हकीम के ये आवाज़ें उन लोगों तक पहुंचाइए। प्यारे नबी की सीरत को आम कीजिए, आपकी शान को आम कीजिए। मालिक फरमाता है इन्नल्लज़ीना युहादून अल्लाह, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो जलील किए जाएंगे जैसे इनसे पहले जलील किए गए। आज से पहले जिसने तौहीन का इरादा किया प्यारे नबी की, वो जलील हुए। अबू जहल इस उम्मत का फिरौन अपने साथियों के साथ अल्लाह के घर में बैठा हुआ, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे, अल्लाह की इबादत कर रहे। ये मुजरिम, ये फिरौन इस उम्मत का कहने लगा कुरैशी सरदारों से, तुम में से कोई ऐसा नहीं, ये अब्दुल्लाह का बेटा आता है तुम्हारे सामने नमाज पढ़ता है, इसको रोक सके। और कसम खाकर कहने लगा अगर दोबारा मैंने इसको इस हालत में देखा तो नाऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह, मैं पत्थर को इसके ऊपर दे मारूंगा। प्यारे हबीब दोबारा आए, नमाज पढ़ रहे, वो एक भारी पत्थर उठाकर प्यारे नबी की तरफ दौड़ा और फिर चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ, रोता और धाड़ता हुआ उल्टे कदमों वापस आया। उसके साथी हंसने लगे कि तू तो बड़े जोश के साथ गया था कि मैं इस पे पत्थर दे मारूंगा। कहा तुम्हें क्या पता, मैंने अपने और इसके दरमियान आग की खंदक देखी है और परों वाली मखलूक देखी है जो इसकी हिफाजत कर रही थी। प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुजरिम अगर आज कदम बढ़ाता अल्लाह के फरिश्ते इसकी बोटियों को नोच डालते। फिर ये जलील हुआ, ये कत्ल हुआ, बदर के कुएं में फेंका गया। कुरान कहता है जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो जलील होंगे जैसे पहले जलील हुए, जैसे अबू जहल की जमात जलील हुई। आज भी रसूल खाके बनाने वाले अल्लाह की कसम ये दुनिया में भी जलील होंगे, आखिरत में भी जलील होंगे। इज्जत है तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। इज्जत के मकाम पे फाइज किया है अल्लाह ने तो अपने प्यारे हबीब को किया है। वलिल काफिरीन अज़ाबुम मुहीन, काफिरों के लिए अल्लाह ने जिल्लत वाला अजाब तैयार कर रखा है। हमारे प्यारे हबीब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देने में सच्ची दावत, सच्चा किरदार प्यारे हबीब अलैहि सलाम का, इखलास के साथ लोगों को बुलाते रहे, तौहीद की दावत देते रहे। कोई गुस्साखी करता, कोई जुबान दराजी करता, प्यारे नबी उसकी कोई परवाह ना करते और दावत तौहीद में मगन रहते। आप समझते थे जो मेरे खिलाफ जुबान दराज करता है, जो मुझ पर तोहमतें लगाता है, वो गोया ऐसे ही है जैसे कोई सूरज को चमकता हुआ देखे और फिर उसको बुरा कहे और उसके ऊपर थूक दे। सूरज पे थूकने वाले का थूक उसी के मुंह पे आता है। जो मुस्तफा की तौहीन करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी को तकलीफ देता है, उस पे अल्लाह की लानत का दुर्रा बरसता है। वो गोया ऐसे है जैसे कोई चांद पे थूक रहा है। किसी ने प्यारे नबी को जादूगर कहा, किसी ने काहिन कहा, किसी ने नाउज़ु बिल्लाह कुछ कहा, और अल्लाह ने अपने हबीब के बारे में क्या कहा, फस्दा बिमा तुमर, ए नबी अलैहि सलाम आपको जो हुक्म दिया गया है उसको खोल कर बयान कर दीजिए। ये जादूगर कहते हैं कहते रहे, ये काहिन कहते हैं कहते रहे, आप ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को खुलेआम बयान कीजिए। इनकी बातों की, इनकी मलामत की परवाह न करें। आज ये वो दरस था जिसको कलमा पढ़ने वालों की अक्सरियत भी भुला बैठी है। वो रवादारी का शिकार ऐसे हो गई कि किसी को कुछ ना कहें, किसी को कुछ ना कहें, जो जहां लगा है ठीक लगा है, कोई कब्र पूज रहा है तो ठीक पूज रहा है, कोई मंदिर पूज रहा है तो ठीक पूज रहा है, कोई मुहर्रम में ताजिया पूज रहा है वो भी ठीक कर रहा है, जिड़ा जिसे लगे ठीक लगा है। अपने मजहब को ना छोड़ो, खैर के मजहब को ना छेड़ो। अल्लाह की कसम ये मोहम्मद करीम का दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दीन किसका है बता दूं? ये अबू जहल का दीन है। अबू जहल ने आकर अबू तालिब से क्या डिमांड की थी? अपने भतीजे से कहे हमारे बड़ों को कुछ ना कहे, हमारे बड़ों को, ये अल्लाह की इबादत करता है करता रहे, इसकी नमाज पढ़ने से हमें कोई तकलीफ नहीं है, ये अपने तौर पे जो करता चाहे करता रहे, हमारे बड़ों को कुछ ना कहे, हमारे हजरतों को कुछ ना कहे। और जब प्यारे हबीब की प्यारी मुबारक जुबान से जुमले निकलते थे क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अबू जहल के बड़ों की गर्दनें कट जाया करती थी। अल्लाह हुक्म दे रहा है अपने नबी को, ए नबी जो पैगाम आपके जिम्मे लगाया गया उसको खोल कर बयान कर दीजिए। कोई जो चाहता है कहता रहे, किसी के कहने की परवाह। यही दरस क़यामत तक आने वाले इस्लाह करने वालों के लिए है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम को रवादारी की चादर में बंद ना करो, ला इलाहा इल्लल्लाह के पैगाम को लोगों के चेहरों के ऊपर पड़ी हुई सलवटों को देखकर इस दावत को पुष्ट के पीछे ना फेंको कि आज कोई बात नहीं। अखलाक की बात करते हैं, किरदार की बात करते हैं, झूठ के खिलाफ बोलते हैं, चोरी के खिलाफ बोलते हैं। अरे कायनात में सबसे बड़ा झूठ तो अल्लाह की तौहीद में शिर्क की मिलावट है। और अल्लाह अपने नबी से कहता है जो पैगाम दिया गया है खोल कर बयान कर दो, कहो इनको क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इला नहीं, महबूद बरहक कोई नहीं, ना कोई मदद के काबिल, ना कोई शिफा देने के काबिल, ना कोई औलाद देने के काबिल, ना कोई इज्जत देने के काबिल, ना बीमारियां टालने के काबिल, ना आता करने के काबिल। सारे मंगते हैं। इन मंगतों का हाल क्या है? जो एक मंगता दूसरे मंगते से मांगे, उसकी मिसाल जेल के अंदर काफ़ी सारे कैदी होते हैं ना, एक जेल में काफ़ी कैदी होते हैं। अल्लाह जेल की सूबतों से हर मुसलमान को आज़ाद फरमाए। आमीन। जो जालिमों की जेल में मुसलमान बंद हैं, अल्लाह उन पर रहमत फरमाए और उन्हें उनके घर वालों तक पहुँचाए। अल्लाह सूरिया के मुसलमानों पर रहम फरमाए, उनको जालिमों की जेल से छुड़ाए। एक कैदी दूसरे कैदी के पांव पकड़ के गिर जाए और रोने लग जाए, वास्ता ही रब दा मैनू बार कड़ा। ये अक्लमंद है या बेवकूफ़? बोलिए, अक्लमंद है या बेवकूफ़? कैदी कैदी के पांव में पड़ा हुआ है, मैनू बार कड़ा दे सरदार जी, शाह जी, वास्ता लबो। एक पागल, मैं तो खुद कैदी, मैं तुझे अगर निकाल सकता तो खुद पहले ना निकलता। जो अल्लाह को छोड़कर अपने जैसे इंसानों की कब्रों पे ढेर है, अरे ये भी तेरी तरह रब का मोहताज है और मरने के बाद तो तुझसे ज्यादा मोहताज हो गया, ये क्या कर सकता? इसको देने वाला तुझे देने वाला, इसको खिलाने वाला तुझे खिलाने वाला, इसको शिफा देने वाला तुझे शिफा देने वाला, इसको औलाद देने वाला तुझे औलाद देने वाला अपने अर्श पे है, उसको छोड़ के फकीर के दर पे गिरता है। ऐ प्यारे हबीब जो पैगाम आपको दिया गया उसको खोल के बयान कर दीजिए। वअअरिज़ अनिल मुशरिकीन, मुशरिकों से किनारा कशी इख्तियार कीजिए, मुंह मोड़ लीजिए, परवाह ना करें इनकी जो कहते हैं कहे। आज भी अल्लाह की कसम अहले तौहीद, ये आयत तुम्हारे और मेरे लिए नूर का मिनारा है। जो मसला समझ आ जाए डंके की चोट पे बयान करो। कोई वहाबी कहे, कोई गुस्ताख कहे, कोई काफिर कहे, कोई मार डाले, कोई जिस्म और रूह के रिश्ते को तोड़ दे अल्लाह की कसम उससे बढ़कर खुशनसीब कोई नहीं जो रब के रास्ते में कत्ल हो जाए। वक्त के इमाम को जालिमों ने गिरफ्तार किया, कहा इसको ले जाओ सूली पे चढ़ा दो। ये मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, वो लेकर वापस आ गए। बादशाह ये तो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। बादशाह ने कहा अच्छा इसको ले आओ, इसके कत्ल के फैसले को कैंसिल कर दो, सिर्फ इसकी दाढ़ी शेव कर दो, दाढ़ी मूंद दो इसकी। जो अपने मौत पे हंस रहा था, मक्तल गाह की तरफ जाते हुए मुस्करा रहा था, उसकी दाढ़ी को शेव किया, वो दाढ़ी के बालों को हाथों में लेकर रोने लग गया। बादशाह ने कहा बड़ा अजीब आदमी है, जब तेरी मौत के लिए लेके जा रहे थे तो खुश हो रहा था, तेरी जान बख्शी कर दी, सिर्फ दाढ़ी शेव की है और बालों को लेके हाथ में रोता है। कहा तू मेरे रोने को समझा नहीं है, पहले तो मैं अपनी खुशबख्ती पे हंस रहा था कि अल्लाह शुक्र है ये जान तो निकलनी थी, कहीं ट्रक के नीचे भी आके निकल सकती थी, कहीं दुनिया वालों के किसी झगड़े की नजर भी हो सकता था। मैं कितना खुशनसीब हूं तेरे नाम पे मरने जा रहा हूं, और जब मेरी मौत का परवाना कैंसिल किया तूने और मेरी दाढ़ी को शेव किया तो मैं दाढ़ी की इज्जत पे हंसा हूं और अपनी बदबख्ती पे रोया हूं कि मुझसे तो दाढ़ी अच्छी रही जो अल्लाह के रास्ते में पहले कुर्बान हो गई। अगर आपको अल्लाह की वहदानियत का पैगाम समझ आ गया तो अल्लाह की कसम दुनिया वालों की परवाह न करो, ला इलाहा इल्लल्लाह के वास्ते को आम करते रहो, पैगाम देते रहो। जो मर के कब्र में दफन हो गया, रब्बे मोहम्मद की कसम ये गौसे आजम, ये बरी करने वाला, ये गरीब नवाज व बंदा नवाज, ये बंदा परवर नहीं हो सकता। ये सारे मंगते फकीर है, अल्लाह के दर के दाता अल्लाह है, गौसे आदम अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह है, शिफा देने वाला अल्लाह है। ये सारे मोहताज है, सवाली है, फकीर है, कल्लाश है रहमान के दर के। ये खुद रब के मकाम पे फाइज। ये तौहीद अगर समझ आ जाए, इल्म हासिल करके, दलाइल को याद करके, इस पैगाम को आम करो कि आज शिर्क बहुत फैल रहा है। तौहीद के नाम लेने वाले उंगलियों पे गिरे जा सकते हैं। वारिद अनिल मुशरिकीन, ऐ हबीब मुशरिकों से मुंह मोड़ लीजिए। इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़ीन, जो आपकी गुस्ताखी करेंगे रब कहता है उनको सजा मैं खुद दे लूंगा। मरना तो है ना, रब के दर में पेश तो होना है ना, रब के दर में उठाया तो जाना है ना। वहां कहने वाले कहेंगे अल्लाह सारी उम्र कब्रों पे सजदा करते रहे, और वहां पर मुबारक हो अहले ईमान अहले तौहीद, तुम कहा करोगे अल्लाह पापी तो थे, गुनाहगार तो थे, लेकिन अल्लाह हमने अपनी पेशानी को किसी दरगाह पे नहीं झुकाया था। जो रब के रसूल की तौहीन करे उसने अल्लाह के दर में पेश होना है। मालिक फरमाता है नबी तेरे गुस्ताखों को सजा हम देंगे। अल्लाह की कसम हमें मोहम्मद करीम प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानों से, अपनी जानों से, ऐ अल्लाह तुझे गवाह बनाकर कहते हैं हमें तेरे प्यारे रसूल को, तेरे प्यारे रसूल से प्यार अपनी जानों से ज्यादा है, अपने मालों से ज्यादा है, अपनी औलादों से ज्यादा है, अपनी बीवी बच्चों से ज्यादा है, अपने माँ बाप से ज्यादा है, कायनात के हर इंसान से ज्यादा हम प्यार करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और प्यारे हबीब ने तो खुद फरमाया था ला युमिनु अहद, तुम में से कोई उस वक़्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसके बाप से, उसके बेटे से, उसके माल से, कायनात के हर इंसान से बढ़कर ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। प्यारे हबीब ने सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु वरदा को जवाब में कहा था उमर अगर मैं तुझे तेरी जान से ज्यादा महबूब नहीं हूं, तेरा ईमान पूरा नहीं हुआ। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर ने कहा था, अल्लाह के नबी अब आप मुझे मेरी जान से ज्यादा महबूब हो। कहा अल्लान या उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा, उमर अब बात बनी है, अब तेरा ईमान पूरा हुआ है। हमारे प्यारे हबीब की शान पूछते हो, आओ कुरान हकीम के अल्फाजों पे गौर करो। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा हो अबी व उम्मी। वो तो वो है जिन पे अल्लाह और उसके फरिश्ते रहमतें भेजते हैं, अल्लाह के मलाइका नबी के लिए रहमत की दुआ करते हैं, अल्लाह अपने नबी पे रहमत का नज़ूल फरमाता है। ए अहले ईमान, तुम्हें अल्लाह हुक्म देता है तुम भी खूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। अल्लाह मालिक ने अपने प्यारे नबी को ऐसे असहाब अता फरमाए, ऐसे सहाबा दिए, ऐसे मोहब्बत करने वाले दिए, ऐसे जान निसार दिए जिन्होंने अपना सब कुछ प्यारे नबी पे वार दिया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा, उनसे पूछने वाला पूछता है, आप रसूलुल्लाह से कितनी मोहब्बत करते थे? सैयदना अली जवाब में कहते हैं, सवाल करने वाले, रसूलुल्लाह हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानों से, अपने मालों से, अपनी औलादों से, अपने अहलो अयाल से बढ़कर प्यारे थे। अल्लाह की कसम, प्यासे को ठंडा पानी जितना प्यारा लगता है, इससे बढ़कर हमें मोहम्मद से प्यार था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औहद का दिन है, प्यारे नबी के सामने आपके कई सहाबा शहीद हो गए। फिर अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम एक जगह पर बैठते हैं, अपने साथियों पे निगाह दौड़ाते हैं और कहते हैं, कोई है जो साद बिन रबी की खबर लेकर आए, उसने क्या किया? वो अजीम अंसारी कमांडर, मालदार सहाबी, ताजिर सहाबी, जिनकी दो बीवियां थी, जिनके बच्चे थे, मालदार था, लेकिन प्यारे नबी का कलमा पढ़कर आपसे मोहब्बत करता था, अपना सब कुछ मैदान जिहाद में आप पे कुर्बान कर दिया। सहाबा उनकी खबर लेने के लिए निकले कि वो जिंदों में है या शहीदों में, तो देखा उनका जिस्म मुबारक जख्मों से चूर हुआ, आखिरी सांसें ले रहे। सहाबा ने आकर कहा, ऐ साथ, तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरी खबर के लिए भेजा कि जाओ देखो मेरे साथ ने क्या किया। कहने लगे, जाओ वापस रसूलुल्लाह की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्हें मेरा सलाम कहना, और उन्हें कहना, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको आपकी उम्मत की तरफ से बेहतरीन जज़ा दे। और मेरी कौम अंसार से कहना, अंसारियों, अगर तुमने रसूलुल्लाह को छोड़ दिया, क़यामत के दिन तुम्हारे पास कोई उज़र ना होगा। तुम्हारा आखिरी फर्द भी जिंदा रहा तो आखिरी फर्द को भी रसूलुल्लाह की हिफाजत करते हुए कुर्बान कर देना। जिंदा जिंदा रहते हुए रसूलुल्लाह से मुंह ना मोड़ना। ये कहा और साथ की प्यारी रूह परवास कर गई। मेरे नबी के असहाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो प्यारे सहाबा हर मौके पे आपका दिफा करने वाले। एक मजलिस में रईसुल मुनाफिकीन बैठा हुआ, उसके साथ उसके मुनाफिकों का एक गिरोह और चंद सहाबा भी बैठे हुए। प्यारे हबीब अलैहि सलाम अपनी सवारी पे सवार, ये जालिम, ये मुजरिम, ये इब्ने सलूल अपने नापाक अमामे के नापाक कपड़े को अपनी गंदी नाक पे रखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, हमसे दूर चले जाओ, तुम्हारे गधे से गुबार मट्टी उड़ रही है, हमारे ऊपर मट्टी ना गिराओ, तुम्हारे गधे की बू ने हमें दुख दिया है, तकलीफ दी है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा इसी मजलिस में मौजूद, खड़े हुए और कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह की कसम मोहम्मद करीम के गधे की बू तेरे गंदे जिस्म की बू से ज्यादा प्यारी है। अपने असलहे को उठाया, इब्ने सलूल के माथे पर मारा, उसके सर को फाड़ा और कहा जो तौहीन करेगा मोहम्मद करीम की तो मुस्तफ़ा के सहाबा इंतकाम लेने के लिए तैयार है। अल्लाह ये ईमान हमें भी अता फरमा, ये मोहब्बत हमें भी अता फरमा, मुस्तफ़ा का ये प्यार हमें भी अता फरमा, हमारा दिल भी मोहब्बत रसूल से सरशार फरमा। अल्लाह तुझे तेरे प्यारे नामों का वास्ता दे के सवाल करते हैं, हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपने प्यारों की मोहब्बत अता फरमा, अपने नबियों की मोहब्बत अता फरमा, रसूल करीम की मोहब्बत अता फरमा, असहाब रसूल की मोहब्बत अता फरमा, अहले बैत रसूल की मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, हमारे अमल तो तेरे प्यारों जैसे नहीं है, लेकिन हमारे दिल में तेरे प्यारों का प्यार है। अल्लाह तुझे तेरे प्यारे नामों का वास्ता है, क़यामत के दिन हमें भी अपने प्यारों के पड़ोस में जगह अता फरमा। अल्लाह हमारी रूह निकले तो इस हाल में निकले, तू हमसे राज़ी हो अल्लाह, तू हमसे राज़ी हो अल्लाह, अल्लाह तू हमसे राज़ी हो, हम तुझसे राज़ी हो। अल्लाह हमारा खातिमा ईमान पे फरमाना, हमारा खातिमा ईमान पे फरमाना। अल्लाह आखिरी लम्हात में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाना, आखिरी लम्हात में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाना। अल्लाह क़यामत के दिन प्यारे हबीब के झंडे के नीचे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।